इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। एक प्रश्न है, तीर्थ यात्रा से कोई वापस आ जाए तो आने वाले के पुण्य का हरण हम कैसे कर लें? कितना बढ़िया प्रश्न है। देखिए, जो घर से बाहर निकल जाता है तीर्थ यात्रा करने चला गया, तो घर में तो आदमी कैसे जैसे तैसे भी आनंद में रह लेता है, परंतु यात्रा में प्रस्थान करते ही जीव एक बिना मतलब की बिना अर्थ की बनी समस्या में अपने को झोंक देता है। घर से बाहर निकले तो कितनी प्रकार की समस्याएं खड़ी होती हैं, कहीं पानी मिलता है, कहीं भोजन नहीं मिलता है, कहीं भोजन मिलता है, कहीं पानी नहीं मिलता है, कहीं कुछ नहीं मिलता है। अरे स्वदेश में तो फिर भी ठीक है, विदेश में चले जाओ तो खाने की विपत्त समझो। यदि आप रक्ष भक्ष सब न खावे तो रहना मुश्किल है। हमारे देश के साधु संत महात्माओं के लिए तो बड़ा कष्टकारी, बहुत कष्टकारी है साहब। दिन सरकार चर्चा कर रहे थे, हम तो भगवान से ही बनाते हैं, हे प्रभु कभी विदेश न जाना पड़े। काहे? जो साधक है, जो साधु है, जो संन्या वंदन गायत्री संपन्न है, उसके लिए बड़ी कठोरता है साहब, बहुत कठोरता है। भारतवर्ष में कोई तीर्थयात्री बनकर तीर्थयात्रा में गया हो, जहां जहां वो जाएंगे दर्शन करेंगे, भगवान का नाम गाएंगे, भगवान से कुछ मांगेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो जो व्यक्ति जहां जहां गया होगा तीर्थ में, वहां उसके द्वारा किए गए सदकर्मों से, दान से, दर्शन से, नाम स्मरण से, नदी स्नान से, संत दर्शन से, और भी जो कुछ भी सत्कर्म वहां हो रहा हो, यज्ञ हो रहा हो तो परिक्रमा से, जितना पुण्य एकत्र वो कर लेंगे और वापस आकर घर पर जैसे बैठे, जो ऐसे व्यक्ति की चरण सेवा करे, पांव धोवे, शरीर दबावे, थकान उतारे, उनको जल देवे, भोजन देवे, सप्ताह भर पर्यंत उनको सेवा करके उनकी थकान उतार देवे, तीर्थ यात्रा की थकान उतार देवे, ऐसे व्यक्ति के पास, जो व्यक्ति तीर्थ यात्रा में गया है, उसके द्वारा अर्जित सभी पुण्यों का कुछ प्रतिशत अवश्य प्राप्त हो जाता है, चाहे वह आशीर्वाद दे चाहे न देवे। कैसे? जैसे किसी को ठंडी लगी हो और आग के बगल में जाके बैठ जाए तो कितनों कपड़ा लादे होगा आदमी, तो धीरे 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 उसके सारे कपड़े उतरते चले जाएंगे। आग ने कुछ कहा नहीं, अग्नि देवता ने अपने ताप से जिस प्रकार उसकी सारी सर्दी धीरे 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 हरण कर ली, उसी प्रकार जो व्यक्ति तीर्थ यात्रा करने गया है, संत दर्शन करने गया है, भगवत दर्शन करने गया है, यज्ञ मंडप की परिक्रमा करने गया है, दिव्य नदी स्नान करने गया है, उसकी सेवा करके उसके द्वारा अर्जित सत्कर्म और पुण्यों का धीरे धीरे वह व्यक्ति हरण कर लेता है, जो कहीं नहीं जाकर केवल गए हुए यात्री, माता पिता बंधु भाई बुआ काका काकी चाचा चाची मामा मामी दाया दाई, इनकी सेवा करके और उनके रोम छिद्रों से आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। परिणामतः
जो जा करके पुण्य अर्जित किए हैं वह व्यक्ति सेवा करके ही पुण्य अर्जित कर लेता है। पहले के जमाने में हम लोग जब बहुत छोटे थे तो बुआ लोग दादी लोग जब नदी स्नान करने जाती थी लौट के आती थी तो घर की जो बहुएं होती थी बड़ी परात में पानी रखती थी और उनका पांव सेवा करती थी। अब तो हमारी बहू थोड़ा सा स्वस्थ हो गई विष्णु की अपने बच्चे की, अदरवाइज जब हम पहुंच जाते थे तो 20 मिनट तो खाली पांव धो के दबाती रहती थी। अब हम पुत्र वधुओं से सेवा नहीं कराते, अभी एक तरह विष्णु बैठ जाए एक तरह वो बैठ जाए, ये क्या है? उसकी श्रद्धा है कि गुरु जी आए तो उनकी सेवा होनी। हमारे जीवन में ऐसी निष्ठा बने कि हम भले न जा पाए लेकिन जो गया है सत्कर्म करने गया है, पुण्य कर्म करने गया है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका दर्शन करने गया है, कुंभ मेला में गया है, माघ मेला में जाकर के 12 साल के संकल्प के साथ भकल्पवास करने का यात्री है, उसकी सेवा घर आने पर जो करेगा महीनों करेगा उतने पुण्य वो उसका हरण करेगा। तीर्थ यात्रा पर सत्कर्म करने वाली यात्री को अपना पुण्य हरण से बचना चाहिए। और जो नहीं गया है उसको पुण्य हरण करने में लगे रहना चाहिए, दोनों का लाभ है, एक को बचना चाहिए एक को करना चाहिए लेना चाहिए। तो जो यात्री तीर्थ यात्रा भगवत यात्रा यज्ञ परिक्रमा नदी स्नान भगवत दर्शन में गया हो उसकी सब प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा सेवा करते हुए आज्ञा पालन रखते हुए उसके सभी पुण्यों का हमको हरण करते रहना चाहिए। इससे हमारा चित्त और मन भगवत भक्ति में दृढ़ता को प्राप्त होता है। इति इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।